जय श्री राम। सभी किसान भाइयों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BW टुडे भाव पर। मैं आपका भाई भंडियार स्वागत करता हूं आपका कृषि उपज मंडी भवानी मंडी संतरा मंडी में। आज दिनांक 29 फरवरी 2024 बार की बात करते गुरुवार। आज मैं आव के लगातार स्थिति रहते हुए सेम आव के जैसे चल रही है इसी प्रकार के आव के आवको में कोई गिरावट भी नहीं, कोई बढ़ावट कोई चढ़ाव भी नहीं, उतार भी नहीं, सेम आव के बनी हुई है। साथ में अगर बात की जाए बाजार की तो बाजार आपको पूरा वीडियो देखने पे आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। लगभग 12 से 15 प्रकार के हमने ढेर डाले हैं, आपको हर प्रकार की क्वालिटी आपको दिखाई है। उसमें जो हम ढेर दिखाते हैं आपको लगभग इस प्रकार के ढेर दिखाते हैं ताकि आपको हर एक क्वालिटी आपकी क्लियर हो जाए किसान भाई की। और अधिकतर मैं जिस दुकान का अभी वीडियो बनाता हूँ उन दुकानों का वीडियो बनाने का कारण ये होता है कि किसानी माल ज्यादा आता है, व्यापारी मालों का वीडियो बनाना थोड़ा कम कर रखा क्योंकि व्यापारी माल में किसान भाव का चक्कर खाता है। जैसे मान लो अभी हमने आपको टॉप बताया 21 रुपए 25, 26 या 28 रुपए की रेंज के माल बिक सकते हैं, लेकिन वो जो माल होते हैं व्यापारिक माल होते हैं वो आप किसानों से माल लेके उसकी छटनी करवाते हैं और बेस्ट क्वालिटी बना के फिर बेचते हैं। अगर वो भाव आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना जो माल होता है एवरेज वो भी उसको भी वो सोच के बैठ जाते हैं कि भाई 26 रुपए बाजार हो गए, बाजार अच्छे हो गए, फिर माल लेके आते हैं, फिर जब माल लेके आते हैं तो आपका माल कम बिकता है, तो आपके साथ कहीं ना कहीं दुर्घटना वाला काम भी हो सकता है। इसलिए हम वो भाव आपको नहीं बताते। बाजार है 25-26 वाले बाजार भी है, लेकिन फुल साइज का माल होता है। ये मान के चले कोई ढेर अगर आपका है उसमें जो ऊपर आप मुंह बनाते हैं उस तरह का पूरा ढेर है, वो पूरा का पूरा ढेर उस प्रकार का है, तो वैसे ढेर बिकते हैं। वो बहुत एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी होती है, वो व्यापारी ढेर होते हैं, इसलिए वो चीज़ जानकारी हम आपको देते नहीं। और निवेदन आपसे ये भी है कि हम आप लोगों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन भी आपके भाई ने ऐसा एक दिन भी निकला होगा जिस दिन आपके लिए संडे को साफ रिपोर्टिंग डाली हो और पर डे वीडियो ना बनाया हो। तो आपसे निवेदन केवल इतना ही है, जो भी भाई हम आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं वीडियो यूट्यूब सपोर्ट थैंक्स का ऑप्शन वहाँ से कर सकते हैं। जिनको अधिक जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको अधिक जानकारी मिलती रहेगी। और भी बहुत सारी चली तरीके की चीज़ें हम लाने वाले जल्दी आप लोगों के लिए जो सब आपके फायदे की होगी। साथ में निवेदन ये भी है कि वीडियो पूरा देखा करें और जो वीडियो में ऐड आते हैं वो ऐड पूरा देखें आप। साथ में वीडियो के जैसे आप हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे वहाँ से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक खुलेगा, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर समय समय आपको वीडियो मिलते रहेंगे। साथ में हमारा फेसबुक और ट्विटर, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो अकाउंट उनको फॉलो करें और अपने भाई पर अपना प्रेम आशीर्वाद समझते रखिएगा। और जिनको भी कोई भी सवाल क्यूरी है तो एक बार कमेंट में छोड़ दें आप, हर किसी को हम जवाब नहीं दे सकते, सब एक ही बात रोज पूछते हैं कि भाई मार्च में भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब आपको हर बार सप्ताह वीडियो डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, हर व्यापारी का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, वीडियो अलग अलग आदमी का क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि सबके विचार हमें मिल जाए। हम महाराष्ट्र के लोगों का भी विचार लिया, केरला के विचार के लोगों का भी विचार लिया, सभी प्रकार के हमने लगभग हमारे लोकल भवानी मंडी MP के सब जगह के व्यापारियों को हमने आपका इंटरव्यू डाल रखा। क्यों डाल रखा, इसलिए ताकि सबके विचार मिल जाए, हमें पता चल जाए कि मार्च में क्या माहौल बन सकता है। तो अभी तक तो हमारा 99% संभावना यही है कि मार्च में संभावना है पूरी तेजी की, हमने आपको पूरा वीडियो डाल भी रखी साथ रिपोर्ट के। तो निवेदन यही है आपसे, बार बार सवाल ना पूछे, जो सवाल काम के वो पूछे उनका जवाब भी मिलेगा आपको कमेंट में। और जिन भाइयों को कोई मन में जिज्ञासा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपने को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। तो निवेदन है फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी काम आप ही करें। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं कल। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है संतरा मंडी में आपका। पहला ढेर हम देख सकते हैं, माल की बात करें तो माल एकदम शानदार फुल साइज का माल है, माल आप देख सकते हैं मीडियम और फुल साइज दोनों तरह का माल आप देखने को मिल सकता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत शानदार क्वालिटी है इसकी, माल बहुत शानदार चमकदार माल है, फुल साइज का दाना है। वजन की बात करते हैं, उसका वजन क्या है तो 22 क्विंटल 80 किलो उसका वेट है। मण की बात करें 57 मण है और बिका ये 46,000 रुपये, लगभग ये बिका है आपके 20.5 रुपये किलो, 20.5-20 रुपये 50 पैसे बिका है। माल बहुत ही शानदार माल है, एकदम शानदार क्वालिटी का माल है। आगे चलते हैं, एक और ढेर इससे मिलता जुलता ही ढेर है, लगभग थोड़ी हरे माल की छाट है, 1-2% माल आप देखते हैं माल कुछ इस प्रकार का है। ऐसा माल क्या बिका है, इसकी रेंज की बात करते हैं। वजन की बात करें तो 23 क्विंटल 40 किलो, मण में बात करें तो 58 मण और बिका है 43,100। ये लगभग बिका है 18.5 रुपये की रेंज का माल है, 18.5 रुपये किलो बिकने वाला माल है, फुल साइज का माल है, हरी साठ हल्की सी, नीचे माल थोड़ा 19-20 होगा और थोड़ी काली इसमें काली मच्छी की शिकायत आप दे सकते हैं क्योंकि संतरा काली मच्छी वाला नजर आ रहा है, इस कारण थोड़ा कम बिका होगा। आगे चलते हैं, एक और ढेर आप देख सकते हैं, यही मीडियम रेंज का माल है, फुल साइज का माल भी इसके अंदर में, दो ही तरह का माल मिक्स है। ऐसा माल क्या बिक रहा है, फुल शानदार ऐसा लग रहा है वैक्सीन का रखा संतरा के अंदर में, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। क्या रेंज बिक रहा है, इसकी रेंज की बात करते हैं, 25 क्विंटल 50 किलो उसका वेट है, मण की बात करें तो 63 मण 30 किलो और बिका है 37,000 रुपये, लगभग ये बिका है आपके लगभग 16 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, 15-16 रुपये किलो बिका है माल। आगे चलते हैं, आपको ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर क्या बिक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई,
पास ही में एक और एवरेज ढेर है, माल आप देख सकते हैं, माल में थोड़ी चमक कम हो चुकी है, काली मसी का शिकार हो चुका है सर माल, काली मसी आप देख सकते हैं, वो सर संतरा आप देखने को मिल सकती है। क्या बिका इसकी रेंज की बात करते हैं अपन, 13 कुंटल 15 किलो बिकाए 17,000 रुपये, लबो लबो के बिकाए आपके 12 रुपये समथिंग, 12 रुपये किलो का माल है ये, एवरेज माल है। कल ये 10-10.5 रुपये की पोजीशन थी, आज 12 रुपये, इसमें जरूर ठीक हुए एवरेज मालों में, बेस्ट माल वहीं के वहीं है, जैसी रेंज थी उसी की वैसे ही। एक और एवरेज माल आप देख सकते हैं, इसके अंदर में हरी संतरा आपको देखने को मिल सकती है, जो समय से पहले तोड़ ली गई है, माल आप देख सकते हैं, और फुल पका हुआ माल भी इस माल के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा माल क्या बिका है, इसकी रेंज की बात करते हैं अपन, वजन की बात करें तो 15 कुंटल 95 किलो, मण की बात करें तो 39 मण 35 किलो, और बिका है 25,100, लगभग लगभग 15 रुपये किलो इसकी रेंज है, 15 रुपये किलो बिकने वाला माल है। माल आप देख सकते हैं एकदम शानदार क्वालिटी का माल है, नीचे में इसमें गोली है इस कारण थोड़ा कम बिका, माल आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे में ऐसी गोली आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर, इस कारण थोड़ा कम बिका। एक और माल है, फुल साइज का माल है, दाना एकदम शानदार है, और माल देखते नजर लगे उस टाइप का माल है, बहुत ही प्यारा, इसमें थोड़ा नीचे में कोई गड़बड़ हो तो चीज़ अलग हो जाए, वरना माल बहुत शानदार फुल साइज का माल देख सकते हैं माला। वजन की बात करें तो 13 कुंटल 40 किलो, मण में बात करें तो 33 मण 20 किलो, और बिका ये 22,400 रुपये बिका है, लगभग लगभग ये बिका है 18 रुपये समथिंग, 18-18.5 रुपये किलो की इसकी रेंज है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का माल है, अच्छी क्वालिटी का माल है, 18-18.5 रुपये समथिंग की रेंज का माल है। एक और एवरेज डेर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, माल की अगर बात करें तो माल में कोई कोई माल तो एकदम शानदार चमक रहा है, और कोई कोई माल डल पड़ चुका है, देखिए आप देख सकते हैं जैसे ये माल, इसमें चमक की कमी आ चुकी है, और एक और क्वालिटी इसके अंदर में आपको देखने को मिल सकती है शानदार क्वालिटी, दो ही तरह की क्वालिटी इसके अंदर, हरी छाट भी आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर में। क्या वजन है, क्या विकास की रेंज देखते हैं अपन, 18 कुंटल 60 किलो उसका वेट है, और मण में बात करें तो 46 मण 20 किलो, और बिका है 23,600 रुपये, लगभग लगभग ये बिका है आपके 12.5 रुपये समथिंग रेंज का माल है, 12.5 रुपये किलो की रेंज का माल है। माल के अंदर आपको काली मस्सी, हरी छाट, डल माल, सब तरह का माल देखने को मिल सकता है, लगभग 4-5% इसके अंदर में आपको हरा माल देखने को मिल सकता है, काली मस्सी भी इसके अंदर में, लगभग लगभग हर 30-30% के अंदर में आपको काली मस्सी देखने को मिल सकती है। चलते हैं आगे, पास ही में एक और ढेर है, पूरा ढेर लगभग लगभग अगर ढेर में अगर मान लो 100 नारंगी, 100 में से 20 नारंगी आपको हरी देखने को मिल सकती है, और काली मस्सी तो लगभग लगभग हर संतरा के अंदर देखने को मिल सकती है। काली मस्सी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है, हर संतरा पर लगी हुई है, जो भी संतरा उठाओगे आप उसमें इस तरह काली मस्सी आपको देखने को मिल सकती है। किसान भाई ने मेहनत तो की है लेकिन फिर भी काली मस्सी की दाग रह चुकी है इसके अंदर में। वजन की बात करें तो 21 कुंटल 50 किलो उसका वेट है, मण में बात करें तो 53 मण 30 किलो, और बिका है 21,100, लगभग लगभग ये 10 रुपये किलो बिकने वाला माल है, कम बिकने कारण बताई दिया आपको, 10-20% उसमें हरा माल है, और काली मस्सी की वजह शिकायत है इसके अंदर में, इसलिए कहने की कम बिका ये माल। आगे चलते हैं, आपको कुछ और हल्के, फिर उसके बाद कुछ एवरेज लाट और दिखाने का काम करते हैं। देख सकते हैं एक और ढेर आपके सामने ही है। माल की बात करें तो माल में आपको गोली मीडियम दो तरह का माल देखने को मिल सकता है, काली मस्सी इसमें भी है, हर दूसरे दूसरे संतरा के अंदर आपको काली मस्सी देखने को मिल सकती है। ऐसा माल क्या बिक रहा है, इसकी रेंज की बात करते हैं, 15 कुंटल 45 किलो उसका वजन है, मण में बात करें तो 38 मण 25 किलो, और बिका है 15,500, लगभग लगभग 10 रुपये किलो की रेंज का माल है, ये भी 10 रुपये किलो बिकने वाला माल है। आगे चलते हैं, आपको एक हरा ढेर और दिखाते हैं, फुल साइज का माल है ये सर। ऐसा माल क्या रेंज बिक रहा है, इस रेंज की बात करते हैं अपन, देख सकते हैं माल अब पक्की स्थिति में, कोई कोई कच्चा माल भी है, दो ही तरह का माल इसमें देखने को मिल सकता है। ऐसा माल क्या बिक रहा है, इस माल की बात करते हैं अपन। वजन की बात करें तो 20 कुंटल 25 किलो, मण में बात करें तो 50 मण 25 किलो, और बिका है 37,000 रुपये, लगभग लगभग बिका आपके 18.5 रुपये किलो की रेंज का माल है। माल बहुत ही शानदार, बस एक ही कमी है, कुछ भी संतरा इसके अंदर समय से पहले तोड़ लिया गया, इससे मिलता जुलता संतरा एक और है, साइज में थोड़ी जरूर कमी है, वो साइज एकदम बोल्ड साइज थी, उससे थोड़ी कमजोर साइज है इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है, पर इसमें संतरा लगभग अधपका और पका दो तरह क्वालिटी देखने को मिल सकती है। वजन की बात करें तो 14 कुंटल 85 किलो, मण में बात करें तो 37 मण 5 किलो, और बिका है 24,000 रुपये, लगभग लगभग 15 रुपये किलो की रेंज का माल है, 15 रुपये किलो बिकने वाला माल है, माल आप देख सकते हैं 15 रुपये किलो की रेंज का माल है।
आगे चलते हैं, आपको और भी एवरेज ढेर है, और एवरेज ढेर दिखाते हैं आपको और क्या बिक रहे हैं। इसे एक और एवरेज ढेर आप दे सकते हैं। माल के अंदर चमक खत्म हो चुकी है, माल डल पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है उसको थोड़े दो तीन दिन हो चुके हैं मतलब कहीं ना कहीं। देखिए आप माल के अंदर एक रुखापन सा देखने को मिल रहा है माल के अंदर। वजन की बात करें तो 15 क्विंटल 85 किलो, मन में बात करें तो 39 मन 25 किलो, और बिकाए 22,500 लगभग। अभी बिकाए आपके 13-14 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, 13-14 रुपये किलो बिकने वाला माल है। माल की बात करें तो माल डलनेस पे, माल माल में दाना तो बहुत शानदार था लेकिन समय भी बेच नहीं पाए, या फिर समय ज़्यादा हो गया उस कारण थोड़ा कमजोर हो गया, नीचे में गोली वाला माल भी निकल रहा उसके अंदर। आगे चलते हैं, कोई एवरेज आप देख सकते हैं माल के अंदर। बात कर दो माल, ये भी एवरेज ही माल है, माल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का माल है। वजन की बात करें 13 क्विंटल 95 किलो, और मन में बात करें तो 34 मन 35 किलो, और बिका ये 20,000 रुपये लगभग लगभग। ये 13 रुपये किलो की रेंज का माल है। इसमें भी वही सेम स्थिति है, माल में चमक कम हो चुकी है, डल पड़ चुका है माल, माल में भूखापन सा देखने को मिल सकता है। एक और ढेर किसान भाइयों को इस प्रकार का ढेर भी होगा देखने को, इस प्रकार के ढेर भी आपको दिखा देता हूँ। माल आप देख सकते हैं, माल इस प्रकार का है आप देख सकते हैं। ऐसा माल क्या बिक रहा है, इसके अंदर सभी तरह का माल देखो मिल जाएगा आपको, मीडियम मोटा छोटा सब तरह का माल है इसके अंदर में। वजन की बात करें तो 22 क्विंटल 10 किलो, और मन में बात करें तो 55 मन 10 किलो, और बिकाए 29,100 लगभग लगभग, बिकाए 13-14 रुपये समथिंग। इसमें कम बिकने का कारण तो सेम बताई दिया आपको, सब तरह का माल है, गोली वोली सब तरह का माल मिक्स हो रहा है, ऊपर में भी देखने को मिल सकता है और नीचे भी देखने को मिल सकता है, इस कारण थोड़ा कम बिका है माल। एक और लाट आपको दिखा देते हैं, कटी छटी जो संतराएं होती है वो क्या बिक रही है, लगभग इस तरह की छाप होती है जिनमें देख सकते हैं आप, बहुत सारी संतराओं में इस तरह की छाप इस ढेर में देखने को मिल रही है, और दूसरा माल भी है फिनिशिंग वाला भी, दो तरह का माल मिक्स है, पर इस तरह कटी छटी वाली संतरा भी देखने को मिल रही है इसमें। ऐसा माल क्या बिक रहा है, वजन की बात करें तो 22 क्विंटल 95 किलो, मन में बात करें 57 मन 15 किलो, और बिकाए 30,200 रुपये, 30,200 बिकाए लगभग लगभग, 14 रुपये की रेंज का माल है, 14-15 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, माल आप दे सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, जय श्री राम, मिलते हैं फिर कल वापस। आपसे निवेदन इतना ही है कि जल्दी जल्दी हमारा परिवार 10,000 लोगों का, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हम तो कर ही रहे हैं, हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, एक दिन ऐसा नहीं हो रहा, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी, चाहे जैसी भी स्थिति हो, हम डेली आप लोगों के लिए मेहनत करके एक वीडियो डेली डाल रहे हैं। आपसे निवेदन केवल इतना ही, दबा के शेयर कीजिएगा वीडियो को, अपने भाई पर अपना प्रेम आशीर्वाद समझते मना रखिएगा, साथ में जो भाई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं, वो वीडियो के नीचे में थैंक्स का ऑप्शन हो रहा है, डॉलर बना हुआ, वहाँ से आप सब आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम कुछ इक्विपमेंट लाके आपको जो वीडियो क्वालिटी उसको ठीक करेंगे, और साथ में जब हमारे पास भी इक्विपमेंट होंगे जल्दी फिर हम आपके, जैसे कृषि उपज मंडी हुई, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आपके अधिकारी बैठते हैं, उनके भी इंटरव्यू डालेंगे, उनसे आपको क्या क्या स्कीमें मिल रही है किसानों को, वो सब की जानकारी भी देने वाले हैं आपको, इसलिए निवेदन है जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं कल वापस।